हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो डीएलएड के कोर्स 506 को डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉक वन, जिसमें हम चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी एक यूनिट कर चुके हैं। दो ही यूनिट हैं इसमें, एक यूनिट जो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें कवर करना है जी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार इससे आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज देखा कीजिए, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि मैम प्लीज डाल दीजिए वीडियो, तो मुझे डालनी पड़ती है। बट एज कंपेरिजन टू दीज वीडियोज, मुझे रिस्पॉन्स मेरी बाकी वीडियोज पे या बाकी जो दूसरे एग्जाम का मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ज्यादा अच्छा मिलता है। सो आप अगर चाह रहे हैं ये क्लासेस कॉन्टिन्यू हो, सो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, देखिए इनको, क्योंकि आपके लिए ही फायदेमंद है ये क्लासेस, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के स्टूडेंट्स के लिए। वो शायद कहीं और बिजी हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे, या उनको बिल्कुल आस ही छोड़ दिए उन्होंने कि निकलेंगी वैकेंसीज या हमें पढ़ना है। बट वट एवर इट इज, पर आपको पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा अगर आपको वो पर्टिकुलर गोल अचीव करना है जो आपने सोच रखा है। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी ओवरऑल सम टोटल होता है जो भी ट्रेड्स पोटेंशियली किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। सो ओवम मतलब एक तरीके से इसको एग भी बोल देते हैं, जो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जब तक कंसीव नहीं करते आप, पहली चीज। दूसरी चीज होती है स्पर्म। जब ये स्पर्म मेल के स्पर्म्स फीमेल के एग से जाके मिलते हैं, सो ये जो ओवम है, एग है, ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ओके, इनकी वजह से फिर क्या बन के आता है, जाइगोट निकलता है, मतलब इनसे मिलके जो बना वो जाइगोट है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो एक सिंगल सेल से ही लाइफ शुरू हो रही है। प्लस अब ये जो जाइगोट बना है, ये बड़ा होके बेबी बनेगा, तो इसके जो पेरेंट्स हैं जहां से एग और स्पर्म आया है, वहां से कुछ एक क्वालिटीज इनहेरिट हो जाती हैं अगर बच्चे में, जो कि होती हैं यूजुअली कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सो वो क्वालिटीज को जो इनहेरिट हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है पेरेंट्स से अपने बच्चे में, सो वो क्या है जी, हेरिडिटी है। ओके, एक चीज जो जान लेना बहुत जरूरी है वो ये है कि जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फीमेल से आते हैं, 23 मेल से आते हैं, विच मीन्स हर एक ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स लगा लीजिए आप एक तरीके से, 23 पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कितने क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, तो 46 होते हैं, लेकिन कितने पेयर होते हैं, वो 23 पेयर होते हैं। इन 23 में से जो 22 पेयर हैं उनको हम बोलेंगे ऑटोसम्स, और जो एक पेयर है जो कि सेक्स ऑर्गन है, मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं, जो कि आपके लिए सेक्स डिटरमाइन करेगा, तो वो क्या है जी, एक्स एक्स या एक्स वाई, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ओके, एक्स एक्स फीमेल में रहेगा, एक्स वाई मेल में रहेगा, तो जो तकियानुसी बातें होती है ना कि ये लेडी तो जो है वो लड़का भी पैदा नहीं कर पा रही है, जो बैक टू बैक लड़कियां पैदा करते रहते हैं, लड़कियां होती रहती हैं, सो वो उस लेडी में दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि दिक्कत देखा जाए तो दोनों में ही नहीं है, बिकॉज 50-50% चांसेस होते हैं लड़का या लड़की होने के, और ये आपके हाथ में नहीं होता। बट स्टिल अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो रिस्पॉन्सिबल है मेल, क्योंकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, ये वाई क्रोमोजोम जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तब जाके लड़का पैदा होगा, अगर ये वाला एक्स इनमें से किसी एक्स के साथ मिलता है तो वो क्या हो जाएगी जी, लड़की होगी। ओके, सो वो 50-50% चांसेस होते हैं, ओवरऑल किसी के हाथ में नहीं है, ये 50-50% लक बाय चांस वाले चांसेस हैं। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर एक क्रोमोसोम में भी बहुत सारे 40 से 100 तक जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना कई बार कि हेरिडिटी तो जेनेटिक होती है, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं चीजें। दूसरा पार्ट आता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट इज लाइक आपके, आपने जैसे ही जन्म लिया है संसार में, उसके अलावा जो भी चीजें, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे फिजिकल एनवायरमेंट हो आपका, ठीक है, तो जो भी आसपास की चीजें हैं, आसपास के लोग हैं, वो सारा आपके एनवायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट हमें समझ आया, ये चीजें आपको क्लियर हुई। उसके बाद एक चीज जो पता होनी चाहिए वो है ट्विन्स के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं या फ्रेटर्नल ट्विन्स कौन से होते हैं। तो जब ट्विन्स की बात आती है ना, जो एक साथ में दो बच्चे होते हैं ट्विन्स, सो वो जो है क्या होते हैं, या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या फ्रेटर्नल हो सकते हैं, अगर वो एक ही ओवम से बने हैं, एक ही ओवम से डेवलप हुए हैं। अभी मैंने बोला ना, एग या जो ओवम है वो फीमेल का और जो है स्पर्म मेल का। सो अगर ये एक से, मान लो दो स्पर्म जाके जो है वो क्या क्या हो गए, या तो एक स्पर्म से ही हो जाए
बेसिकली एग एक रहेगा, स्पर्म अलग अलग है. सो दो स्पर्म जाके जो है अगर इसी एक एग से क्या हो गया उनका फर्टिलाइजेशन कर दिया उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, इसी का जायगोट बन जाएगा और डबल डबल बेसिकली दो यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, एम्ब्रियो बन जाएंगे फर्दर. ओके सो अगर एक ही ओवम से बन रहे हैं तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं. कई बार ये होता है कि एग्स तो बहुत सारे बनते हैं, सो उन बहुत सारों में से कई नहीं, बहुत सारे इन द सेंस एक टाइम पे अगर एक से ज्यादा एग गलती से या जैसे भी किस्मत से बोल देते हैं जिसको बन गए, सो वो एग से जब अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो ये क्या हो गए, ट्विंस हो गए उसी एक बॉडी में. ओके सो ये दो सेपरेट ओवम से या ओवा हम जिसको बोल देते हैं उससे जब जर्मिनेट होते हैं या फिर बनते हैं बेसिकली, सो वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे. ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से क्योंकि वो सेम एग से बनी है. ओके और हमेशा इनका सेक्स भी सेम होगा, या तो दो लड़कियां होंगी या दो लड़के होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का है एक लड़की है. ओके फ्रेटर्नल ट्विंस मोस्टली एक लड़का एक लड़की होते हैं सेम टाइम पे, जो ट्विंस हैं एक तरीके से, बट आपको दिखने में नहीं लगेगा कि वो ट्विंस हैं. सो ये दो चीजें पता चली आपको. उसके बाद जो थॉर्नडाइक, न्यूमैन, फ्रीमैन, डेविड विनफील्ड, इन्होंने ना बहुत सारी स्टडीज की हेरिडिटी से रिलेटेड, और ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज करने के लिए, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में अलग अलग होते हैं ना, वो एनवायरमेंट की बजाय, मतलब एनवायरमेंट से तो आते हैं, बट हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें. ठीक है, एक स्टडी डेविड विनफील्ड ने की और उन्होंने क्या बताया, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मैच करती होंगी या फ्रेटर्नल ट्विंस की, या दो भाई बहनों की, सिबलिंग्स की, सो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में. सो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो एक तरीके से उनका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन या आईक्यू के बारे में अगर बात करें तो वो ज्यादा होता है, 0.90 है. ओके देन फ्रेटर्नल ट्विंस का है 0.70, सिबलिंग्स का 50-50 वाली चीज होगी 0.50, पेरेंट्स और बच्चे का जो है आईक्यू मिलने के रिलेशनशिप क्या है 0.31, और अनरिलेटेड चिल्ड्रन में क्या रहेगा 0.30. सो ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं इससे, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर आएगा कि ऑब्वियसली ना, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस है या फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, सो अगर आइडेंटिकल हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीजें सेम है उनकी, सो आइडेंटिकल ट्विंस जो है उनमें आईक्यू का जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट, मतलब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जब बताते हैं तो 0.90 निकल के आएगा. कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह, थोड़ी सी स्टैट वगैरह की बातें हो गई जो मैंने नेट के लिए करवा रखी है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इस चीज में इंटरेस्ट है फर्दर जाके आपको पीएचडी वगैरह करनी है एजुकेशन में, तो आप ये चीजें स्टैट में पढ़ सकते हैं. ठीक है जी, सो बट ये चीज याद रखिएगा कि आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल में से आइडेंटिकल का कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है आईक्यू से रिलेटेड. फ्रीमैन जो है, फिर ये तो चीज हो गई जो हेरिडिटी को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से. अब ऑब्वियसली एनवायरमेंट के आर्ग्यूमेंट में भी चीजें होंगी कि एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है. सो फ्रीमैन ने क्या किया, 71 बच्चों को लिया, उन्होंने पुअर एनवायरमेंट की बजाय वहां से निकाल के एक अच्छे एनवायरमेंट में उनको रखा और फिर उनका आईक्यू चेक किया. सो जब उन्होंने मेंटल बेने के मेंटल रेटिंग स्केल के ऊपर उनकी रेटिंग चेक की, सो वो 10 पॉइंट्स में इजाफा देखने को मिला. यानी अब पहले के कंपेरिजन में 10 पॉइंट ज्यादा है. अब बच्चे तो वही है, बस उनका एनवायरमेंट बदला है हमने, यानी एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओके अब अल्टीमेटली बात आ जाती है, एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है या हेरिडिटी, तो दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं. हेरिडिटी, एनवायरमेंट और टाइम, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं डेवलपमेंट लेवल जानने के लिए इंडिविजुअल पर्सनालिटी का. यूजुअली अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन आता रहा है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है. ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट हेरिडिटी, एनवायरमेंट और टाइम भी अगर हमने मिला दिया तो वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है जी, अब एक मैक्लेवर और पेज है, उन्होंने भी यही बोला कि हर एक फिनोमिना जो लाइफ में है ना, वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का. दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल और इक्वल नेसेसरी हैं. कोई भी एक दो, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ एनवायरमेंट, किसी को भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, ये एग्जाम्पल इन्होंने देने की थोड़ी कोशिश की है कि सीड, जैसे आप बीज बोते हैं ना सोयल में, मिट्टी में, तो वो सीड क्या है, एक तरीके से हेरिडिटी है, और सोयल क्या हो गया, एनवायरमेंट हो गया. इसी तरीके से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, जब आप, मतलब आपके पैसे हैं आपके पास तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे ना. सो कैपिटल क्या हो गया, एक तरीके से हेरिडिटी. इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या हो गया, आपने इन्वेस्ट किया है उन्हीं पैसों को, तो आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट दिया है उन पैसों को, तब जाके आपको रेवेन्यू मिलेगा. ऐसे ही सीड्स और सोयल को मिला
के क्या बनेगी, कोई यील्ड आपको देखने को मिलेगी। सो ये प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा। कई बार सीटेट लेवल पे तो बहुत इजी आ जाता है, बाकी अगर ये किसी और लेवल पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बोल दिया जाता है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का सम होते हैं, जो है कोई भी इंडिविजुअल या प्रोडक्ट होते हैं कोई भी इंडिविजुअल, या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होते हैं एक तरीके से हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें। ओके, अब अगर हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इतना पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशनल लेवल पे हम क्या इंप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऑफ लर्नर, अगर हमें पता है प्रीवियस नॉलेज कितनी है उसको, इंटेलिजेंस कितनी है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, इंटरेस्ट किस चीज में है, या उसका एप्टीट्यूड या एटीट्यूड क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। सो टीचर को ऑब्वियसली इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, और तब जाके टीचर एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करे जिससे सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जा सके और एक सेम बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ओके, अब ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑब्वियसली डेविएट होते हैं कुछ एक फैक्टर्स की वजह से, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से चल रहे होते हैं, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, सब चीजें अलग अलग होती हैं एक तरीके से। बट वो होता है ना एक इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जो पोटेंशियल है अंदर वो एक मतलब बेटर तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर पाए और बाहर निकाल पाए। ठीक है, बाहर निकालेंगे तभी तो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो उसके लिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल लोगों के बारे में, सब अलग अलग होते हैं, सबका एनवायरमेंट अलग अलग हो सकता है। सो वो सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये चीज हमें पता होगी सो हम एजुकेशन में जब पढ़ा रहे होंगे तब देख सकते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्लास में, ऑब्वियसली जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग, स्कूल को भी मतलब स्कूल एक तरीके से मस्ट बी प्लेस फॉर पर्सनैलिटी, मतलब एक बेटर प्लेस होना चाहिए। वहां पे आपको एक हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो है उसका कॉम्बिनेशन करके और उस तरीके से आपको इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि आप बेटर तरीके से, वो होता ना कि बैकग्राउंड भी ध्यान में रख रहे हैं आप, हेरिडिटी और एनवायरमेंट भी ध्यान में रख रहे हैं लर्नर का। सो लर्नर की नीड्स के बेसिस पे आप प्रोग्राम्स या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, और हर एक स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो सभी बच्चों को मिल। ठीक है जी, सो ये जो है ओवरऑल हेरिडिटी और एनवायरमेंट की यूनिट में हमें देखने को मिला, यूनिट 2। अब नेक्स्ट अगली क्लास से जो है वो ब्लॉक आपका सेकंड शुरू हो जाएगा और यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। सो वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। पर्सनालिटी की मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप कहेंगे तो मैं उसको आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, उन टॉपिक्स को पर्सनालिटी से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फीडबैक बहुत जरूरी है। आप लोग भी एक फैक्टर होते हो पुश करने का, बिकॉज नेट के लिए पढ़ा रही हूं मैं, या फिर मैं ओडिशा के एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूं, तो मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों की तरफ से, तो ये फीलिंग आती है बींग अ टीचर कि ओके पढ़ रहे हैं बच्चे, तो एक ज्यादा बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ओके, सो उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसे आप लोगों से मैं बैच नहीं ले रही हूं जो मुझे बिल्कुल रोज आके और आप लोगों को चीजें करवानी पड़े, बट हाँ मेरे अंदर वो मन होता है कि हाँ पढ़ाना है, इसलिए मैं करवा रही होती हूँ। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बींग अ लर्नर, कि आप जो है फीडबैक प्रोवाइड करें कि आपको समझ आया, नहीं आया, नहीं आया तो क्या नहीं समझ आया, तो उसको और अलग तरीके से सोचा जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा लेक्चर्स हम जल्दी कवर कर पाएंगे, ओके, अदरवाइज फिर थोड़ा सा स्लो हो जाती है बीच बीच में चीजें, वो नहीं होंगी अगर आपका फीडबैक बेटर मिला तो। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।